बला बता देती है कि इंसान कैसा है, बैस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, और घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। राम राम सा खमागणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 71 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, मौसम विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार, रोज बरसात की भविष्यवाणी करके पत्नी से पकौड़े बनवाता था। बाप बोले, नालायक तू हिंदी में कैसे फेल हो गया। तो बच्चा बोला, अरे वो झालर का प्राइवेसी पूछा तो मैंने राहुल लिख दिया। देखो सा, मारवाड़ में भयंकर बारिश, बस आऊ आऊ करे, अवे को नहीं अवे तो जी हो रो जावे, तो इतावड़ पड़ रही आपड़ा, लोग मर रही है। देखो सा, रमेश यो कहवे, विदेश से मेरा पुराना नाता है, माँ बचपन में डांट देती थी तो मैं रूस जाया करता। सभी माता पिता से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने बेटे बेटियों को उनके मन पसंद फील्ड में जाने दे। अब राहुल को ही देख लीजिए, असल में तो कॉमेडियन बनना चाहते थे पर परिवार के दबाव में पॉलिटिक्स में आना पड़ा, और परिणाम आपके सामने है। रमेश ये बोले, सोचा हूँ व्हाट्सएप बंद कर दूँ लेकिन सारा उसका ढक्कन नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने रोज मरीज को 10 किलोमीटर चलने को बोला। साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर को कॉल किया, मैं अफगानिस्तान पहुँच गया हूँ, वापस आऊँ या आगे रूस निकल जाऊँ। बहुत वाली आंटी 1.5 घंटों दरवाजा माते खड़ी है और मारी मम्मी वो बातें कर रही है, लेकिन बैठ इन वास्ते नहीं रही है क्योंकि इन्हें मोड़ो है रही है। पापा जल्दी से जल्दी घर आओ। पापा बोलते, बेटा मैं साइकिल पर हूँ और साइकिल में ब्रेक भी नहीं। बेटा बोले, पापा मोबाइल घर पे रह गया और मम्मी खोल कर मैसेज पढ़ रही है। देखो सा, मारवाड़ी बाता रहो, मजो सो रो है, दो रो हल्का खावड़ा हो रहा है पर आटो असल में दो रो है, भक्ति करनी हो रही है पर नियम निभावना दो रो है, जीमण जावण हो रहा है पर जीमण जिमावना दो रो है, फूट गालनी हो रही है पर मेल करावना दो रो है, झगड़ो करावना तो घणो हो रो है पर मार खावना घणो दो रो है, धंधो करना हो रो है पर नपो कमावना दो रो है, गुस्सो करना हो रो है पर गम खावना दो रो है, ठोकर खावनी हो रही है पर बुद्धि आवनी दोरी है, अंग्रेजी पढ़ जाने है पर हिंदी आवनी दोरी, मीठो खावना हो रो है पर जहर पीवनो दो रो है, गुरु बनावना हो रो है पर ज्ञान लेवनो दो रो है, उधार लेवनो घणी हो रो है पर बात देवनो दो रो है। एक पत्नी ने अपने पति को कॉल लगाया और पूछा, क्या कर रहे हो? और पति बोला, ऑफिस में हूँ डार्लिंग, बहुत बिजी हूँ, और तुम क्या कर रही हो? तो पत्नी बोली, मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में तुम्हारे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी भुआ बैठी है, कभी हमें भी मिला दिया करो। जो लोग फ्रेंडशिप की बधाई देते है ना, उनसे अगर 5,000 रुपए उधार मांग लो ना तो फोन भी नहीं उठाएंगे। बीवी ने मायके वालों का एक ग्रुप बना रखा था, अगर अपने पति से नाराज हो जाए और किसी बात पर गुस्सा करे तो इसकी शिकायत वो अपने ग्रुप में करती थी। उसके बाद की प्रतिक्रिया देखो, भाई लिखता, तो भाई बोले, जीजी जीजा जी ने घर आऊं दे, पस देखा हमारी बारात। माँ के अंत में कहीं मायके ना आ जाए इसलिए, जीजी ओ तो संसार में हालते ही रहे, थोड़ा भैसा भी कोई घना हकरा को नहीं, जड़ा और ठिकाना बैठा रहो। भाई कहने वाली लड़कियों, वेस्ट इंडीज से दूल्हा मंगवाऊंगा तुम्हारे लिए, हे भगवान का छुपा रखा है उन लड़कियों को जिनके बॉयफ्रेंड नहीं है। सब्र का फल मीठा होता है, इस अफवाह के चक्कर में 2 सब्र के फल की शादी हो गई। पत्नी अपने पति पर चिल्ला रही थी, इस घर से निकल जाओ, और पति जब दरवाजे के बाहर निकला तो पत्नी ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम घुटघुट कर मलो। पति पीछे मुड़ा और बोला, इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं यही रहूं? शादी का लड्डू जो खाकर लोग पछताते हैं जब बाजार में नई नई मिठाई दिखाई देती है। लड़की रमेश बोले, जानू ये डायमंड रिंग मुझे दे दो ना। रमेश बोले, क्यों डार्लिंग? तो लड़की बोले, मैं रोज इसे देख के मैं तुम्हें याद किया करूँ। रमेश बोले, याद तो तुम वैसे भी मुझे ही करोगी। तो लड़की बोली, वो कैसे? ये सोच कर के डायमंड रिंग मांगी थी पर कमीने ने दी नहीं। दुनिया के वो 2 दस्तावेज जिसके अंदर दुनिया के सारे झूठ लिखे हुए होते, पहला तो लव लेटर और दूसरा है लीव लेटर। आजकल मुझे इतनी आदत हो गई है टेंशन लेने की अगर कोई टेंशन ना हो तो ये टेंशन हो जाती है कि सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी, पहली बोली लगी 1 लाख, दूसरी बोली 2 लाख, तीसरी बोली 10 लाख, चौथी बोली तो 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच, मामला कोर्ट में गया और वहां जज के सामने फिर बोली लगी, पहला 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा 1 करोड़। जस्सा बोले, इस छिपकली में ऐसी क्या खास बात है जो इसकी इतनी ऊंची कीमत? और जितने में आवाज आई, जस्सा ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवियां डरती है। और जस्सा बोले, 2 करोड़ मेरी तरफ से। लोग बुरे करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ, आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में है, कोशिश करें कि ये स्विच आपके हाथ में हो। राम राम सा खमागणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जो, और PRG चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।